नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो है भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र की विशेषता यह होती है कि जो संविधान के अनुसार जो शक्ति हो, ठीक है, वो शक्तियाँ का जो विकेंद्रीकरण हो, अर्थात सभी शक्तियाँ जो है शासन प्रशासन चलाने की सभी शक्तियाँ केवल एक व्यक्ति के हाथों में ना हो, ठीक है, वो उसका विकेंद्रीकरण हो, अर्थात वह कई लोगों के हाथों में है। इसलिए जो है जब संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने संविधान की शक्तियों का तीन भागों में विभाजन किया, ठीक है। वो तीन भाग क्या क्या थे? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन्हीं तीनों के बारे में आज हम लोग को जानना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विधायिका, या फिर जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेटर कहा जाता है। तो यह नाम से ही स्पष्ट है कि विधि या कानून बनाने या फिर उसे बदलने या खत्म करने, यानी देखिए, या तो नया विधि या फिर नया कानून बनाना हो, या फिर पहले से अगर कोई पुराना कानून है उसको खत्म करना हो, या फिर कोई पहले से पुराना कानून है उसके जगह पर कोई दूसरा कानून लाना हो, तो यह जो निर्माण करने का, जो यह कानून निर्माण करने का या फिर बदलने का जिस संस्था के पास अधिकार है उसे विधायिका कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत में कानून कहाँ कहाँ बनते हैं, तो केंद्र स्तर पर देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा में, ठीक है, राज्य स्तर पर देखेंगे तो राज्य विधानमंडल में बनता है। तो इस तरह से भारत की विधायिका को दो स्तर में बांटा गया। एक हो गया केंद्र स्तर पे, जिसमें आगे संसद, जिसमें आगे लोकसभा, राज्यसभा और स्वयं राष्ट्रपति, ठीक है, और उसके बाद में राज्य स्तर पर देखेंगे तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये हो गया विधायिका। आइए अब हम लोग जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो जिस विधि या जिस कानून को विधायिका द्वारा बनाया गया है उस कानून को पूरे देश में या फिर पूरे राज्य में लागू कराने का जो काम है वह कार्यपालिका करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दहेज प्रथा पे कोई कानून बना दिया गया, लेकिन अब उसको लागू करवाना है तो लागू करने का काम करेगा कौन? तो कार्यपालिका करेगी। उदाहरण के लिए कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आएंगे? तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है? ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों विधायिका के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि बिन राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के लोकसभा और राज्यसभा से पारित कोई भी कानून जो है वह कानून का रूप, कोई भी विधि जो है वो कानून का रूप नहीं ले सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों विधायिका के अंतर्गत भी आते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो कार्यपालिका के अंतर्गत भी जो है राष्ट्रपति को शामिल किया गया है। तो कार्यपालिका में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, ये सब जितने भी हैं, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य ही होता है समाज में कानून व्यवस्था जो बनाया गया है उसको समाज में लागू करवाना और उसको बनाए रखना, ठीक है। अब इस कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? तो जिनका चयन जो है वो मुख्यतः 5 साल के लिए हुआ है, तो उनको अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गए, राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, राज्यों के मंत्रिपरिषद हो गए, तो ये लोग जो है ये लोग अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत वे लोग आते हैं, वे अधिकारी आते हैं जिनका चयन जो है उनके 60 वर्ष उम्र या उससे अधिक उम्र तक के लिए किया जाता है। जैसे सिविल सेवा के जितने भी अधिकारी हो गए, आईएएस, आईपीएस, पुलिस विभाग हो गया, ठीक है, तो ये सब जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हो गए ये सब अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम जानते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो देखिए, विधायिका द्वारा कानून बना दिया गया, कार्यपालिका द्वारा उसको लागू करना है, लेकिन अगर इस दौरान अगर किसी भी तरह का विवाद हो जाता है कानून को लेकर के, तो उसका समाधान कौन करेगा? तो वो न्यायपालिका करेगी। मान लीजिए केंद्र द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कोई कानून बना दिया गया, लेकिन राज्य इसको मानने से इनकार कर देता है, तो मामला कहाँ जाएगा? तो मामला जाएगा न्यायपालिका के पास में, ठीक है। तो किसी भी तरह के विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच किसी कानून को लेकर विवाद हो तब, या फिर विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया गया है और उसको जो है ये मानने से इनकार करे राज्य, तो भी वो जाएगा कहाँ पे? न्यायपालिका के पास में। या फिर जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा पे कोई कानून बना है और कोई व्यक्ति जो है दहेज ले रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? न्यायपालिका के पास जाएगा, न्यायपालिका उसको दंडित करेगा। तो यह जो है किसी भी तरह का विवाद हो या फिर विधायिका द्वारा बनाया गया कानून अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई राज्य मानने से इनकार करे, तो जाएगा मामला न्यायपालिका के पास में। न्यायपालिका दोषी पाए जाने पर दंड देता है। न्यायपालिका के तीन अंग से आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर जिला या सत्र न्यायालय। जैसे हर
आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय या फिर जिला न्यायालय कहलाता है, तो ये हो गए न्यायपालिका के 3 अंग। ठीक है, तो यह था हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।